तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्टूडेंट आईडी का पासवर्ड यहाँ पर भूल गए तो आपको सबसे पहले कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो उसके बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पर आना होगा, तब आप यहाँ पर इस पेज पर आ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टूडेंट लॉगिन के पेज पर आना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जब आपको पासवर्ड याद हो, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक नया पेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर लेना है, उसके बाद नीचे पर आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या रोल नंबर है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जिसमें जो कि जब आपने एडमिशन किया था वो यहाँ पे ऐड हो, ठीक है। आपके जो स्टूडेंट प्रोफाइल है उसमें ऐड हो ये नंबर, ठीक है। तो वही नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसमें एक ओटीपी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आप यहाँ पे रोल नंबर एंटर, और अब मैं ये कर लेता हूँ अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेंड पासवर्ड पर मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर में एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर जो पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद एक लिंक भी यहाँ पर आया है, उस लिंक पर मैंने क्लिक करना है, ठीक है। जो ये पासवर्ड आपको दिख रहा है वो पासवर्ड जो पहले अभी यहाँ, जैसे ही आप लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पर यही पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सीधे जो लिंक है उस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्रोम से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपने क्या कर लेना है, आप अपना रोल नंबर या जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर आपने एंटर कर लेना है, उसके बाद नीचे यहाँ पर जो पासवर्ड था आप वो पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रोल नंबर और अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो उसके बाद आपने साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर अकाउंट सेटिंग पर आ जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ओल्ड पासवर्ड जो अभी आपको मैसेज में यहाँ पे आया था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। फिर न्यू पासवर्ड, जो आप यहाँ पे नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। कन्फर्म जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो उसके बाद आपने चेंज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर चेंज हो गया, जो आपने अभी नया पासवर्ड रखा वही पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे आप ये एंटर करेंगे रोल नंबर और पासवर्ड, तो आप अपने प्रोफाइल पे आ जाएंगे। तो उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आप रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं अपने जो भी आपकी स्कीम है, तो उसमें जो भी आप रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे MSc फर्स्ट सेम का रिजल्ट यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर डाउनलोड रिजल्ट डिक्लेयर शो पार करके ऑप्शन आ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर आप व्यू रिजल्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से क्लिक करके फिर व्यू रिजल्ट में जाके फिर उसके बाद यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं।